हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नोट इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बुद्धिज्म की सो गौतम बुद्ध जो थे वो फाउंडर थे बुद्धिज्म के और गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में बात करें सो ही वाज बोर्न एज प्रिंस सिद्धार्थ एट लुम्बिनी नियर कपिल वस्तु इन फाइव सिक्स थ्री थ्री बी सी लुम्बिनी so, नामक जगह पे इनका जन्म हुआ था हमें ये कैसे पता चलता है तो अशोका का जो एक रुमन देई पिलर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर इसके बारे में इस जगह के बारे में मेंशन है तो वहाँ से ये पता चलता है इनके फादर का नाम था सुदोधन और वो कपिल वस्तु के इलेक्टेड रूलर थे इनकी जो फैमिली थी जो इनकी क्लैन थी वो थी साक्या क्लैन और ये साक्या क्षत्रिय थे ठीक है इनकी मदर जो थी वो कोसलन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी और उनका नाम था महामाया इनकी बुद्धा के जन्म के तुरंत बाद में डेथ हो जाती है तेरह साल की उम्र में गौतम जो उस समय प्रिंस सिद्धार्थ थे उनकी शादी हो जाती है उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा जिनसे इनको एक बेटा होता है जिसका नाम था राहुल एट द एज ऑफ ट्वेंटी नाइन ही लेफ्ट हिज हाउस विद हिज चैरियटर चन्ना एंड ए हॉर्स कंठ का तो ये जो कन... कंठका हॉर्स था और ये चन्ना था इनके साथ में इन्होंने जो घर छोड़ा इस एक्ट को बोला जाता है महाविनिष्क्रमना या या ग्रेट डिपार्चर ठीक है सात सालों के बाद में इनको ज्ञान प्राप्त होता है अंडर ए पीपल ट्री ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना ये निरंजना रिवर को याद रखना इम्पॉर्टेंट है और जिस किस जगह में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ उस जगह का नाम था बोध गया इसके बाद से इनको बुद्धा या इनलाइटेंड कहा जाने लगा ठीक है इसके बाद में अगर बात करें कि जो बुद्धा तो बुद्धा ने अपना पहला शरमन डिलीवर किया तो उन्होंने अपना पहला शरमन जो था वो बनारस में दिया था और पांच लोगों को उन्होंने अपना पहला शरमन दिया उनमें से चन्ना जो इनका साथी था जिसके साथ में इन्होंने घर छोड़ा था और चार और ब्राह्मण थे तो इन पांच लोगों को इन्होंने अपना पहला शरमन दिया ये उनके पहले फर्स्ट डिसाइपल्स हो जाते हैं अगर तो इनके क्लोजेस्ट डिसाइपल्स की बात करें तो उनका नाम है आनंदा एंड उपाली है जो पहलावन इन्होंने सारनाथ में दिया उसका नाम है उसको कहा जा कहा जाने लगा धर्म चक्र परिवर्तन यानी कि जिसका मतलब है सेटिंग द व्हील इन मोशन अच्छा एक बात मैं आपको बताना भूल गई जो ये बोध गया जगह के बारे में मैंने अब आपको बताया तो इस जगह का उस टाइम पे नाम हुआ करता था उरुवेला जो बोध गया है इसका नाम एटीन सेंचुरी के बाद में इसको बोध गया कहा जाने लगा इवन जो अशोका के इंस्क्रिप्शन हैं उसमें भी काफ़ी जगह पर इसका नाम अलग अलग जैसे संबोधि या काफ़ी और जगह पर इसका दूसरा दूसरा नाम लिखा गया है ठीक है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगर इनकी महापरिनिर्वाणा की बात करें यानी इनकी डेथ की बात करें तो 483 एटी में इन्होंने महापरिनिर्वाणा अटेंड किया या इनकी डेथ हो गई तो इनकी जिस जगह पे डेथ हुई उसका नाम है कुशीनगर जो कि मॉडर्न डे ईस्टर्न यूपी में है ठीक है अगर उस टाइम पे इस जगह की बात करें तो उस टाइम पे इसका नाम हुआ करता था कुशीनारा और ये जो मल्ला रिपब्लिक था उसकी कैपिटल थी मल्ला रिपब्लिक के बारे में हम क्या जानते हैं कि छोटा महाजनपद था जो सोलह महाजनपद के बारे में हमें पता चला है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी तो उनमें से एक मल्ला था अब मल्ला एक और चीज़ के लिए फेमस हो जाता है क्योंकि इसके दो फेमस टाउन थे इसके दो सबसे महत्वपूर्ण टाउन रहे हैं एक तो कुशीनारा और दूसरा रहा है पावा तो कुशीनारा में किसकी डेथ होती है किसको वहाँ पर मिला है गौतम बुद्धा को और पावापुरी में किसको निर्वाणा मिला है महावीर स्वामी को तो ये जैन धर्म और बुद्धिज़्म दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक रहा है मल्ला रिपब्लिक ठीक है आगे बढ़े अगर बुद्धा की लाइफ में जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है उसकी बात करें तो इनके बर्थ को रिप्रेजेंट किया जाता है लोटस एंड बुल लोटस का जो कलर है वो कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट ब्लू बस ब्लू नहीं होना चाहिए ठीक है महाभिनिष्क्रमना मतलब दिनंसिएशन और द ग्रेट डिपार्चर जब उन्होंने अपना घर छोड़ा तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है हॉर्स से अगर इनके निर्वाणा की बात करें यानी कि इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ जो बुद्धिज़्म है और जो जर्निज़्म है उसमें निर्वाहणा का मतलब अलग है बुद्धिज़्म में निर्वाणा का मतलब होता है जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको बोलते हैं इनलाइटेंट ठीक है जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसको निर्वाणा बोला गया जैनिज़्म में निर्वाणा का मतलब होता है जब डेथ होती है ठीक है उस प्रोसेस को निर्वाणा बोलते हैं तो ये दोनों में डिफरेंस है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बुद्धिज़्म में जो निर्वाणा है बोधि ट्री से इनके पहले शर्मन को धर्मचक्र या व्हील से रिप्रेजेंट किया जाता है इनकी डेथ को यानी कि इनके महापरिनिर्वाणा को स्तूपा से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर बुद्धा की फिलोसफी की बात करें तो इनकी डॉक्ट्राइन क्या थी इनके अनुसार चार नोबल ट्रुथ हैं चार जो महान सत्य हैं वो क्या क्या हैं पहला द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सौरव कि संसार जो है वो दुखों से भरा पड़ा है द सेकेंड वन वर्स डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल सौरोज कि सारे दुखों की जो जड़ है वो इच्छा है ठीक है जो रूट कॉज है वो इच्छा है सौरों कैन बी कॉन्क्ड बाई कंक्रिंग डिज़ायर अगर आपने जीत अगर आपने इच्छाओं पर काबू पा लिया अगर आपने इच्छाओं पर जीत हासिल कर ली तो जो सौरव हैं उन पर भी आप जीत हासिल कर सकते हैं या आप उनको भी कॉन्क्र कर सकते हैं चौथा उन्होंने बताया कि डिज़ायर को कैसे कॉन्क्यर करना है इसके लिए उन्होंने एट, एट फोल्ट पार्ट्स बताए वो क्या क्या हैं वो हैं राइट ऑब्जर्वेशन राइट डिटर्मिनेशन राइट स्पीच राइट एक्शन राइट लाइवलीहुड राइट एक्सरसाइज राइट मेमोरी राइट मेडिटेशन इनका आप कोई भी शॉर्टकट बना लीजिए और उनसे आप इनको याद रख लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो आप इसको ईज़िली आंसर कर पाएंगे इसके आगे बुद्धा ने बताया कि एक द पर्सन हैज़ टू फॉलो ए मिडिल पाथ कि आप ना तो ज़्यादा लग्जरी में जिए और ना ही ज़्यादा ऑस्टेरिटी में जिए तो एक मिडिल पाथ है दैट इज़ द बेस्ट पाथ इसके अलावा अगर इनके तीन ज्वेल्स की बात करें इनके त्राई तीन रत्नों की बात करें बुद्धिज़्म के तो क्या क्या हैं बुद्धा धम्मा एंड संगा हाइएस्ट जो स्पिरिचुअल पोटेंशियल होता है उसको बुद्धा बोलते हैं जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं पाली में उसको धम्मा बोलते हैं और संस्कृत में उसको धर्मा बोलते हैं ठीक है संगा मतलब होता है कि जो मोंग्स जो मोंग्स होते हैं जो कि बुद्धिज़म को फॉलो करते हैं उनके जो ऑर्डर्स हैं या उनको क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं सो दैट इज़ संघा अगर इनके कोड ऑफ़ कंडक्ट की बात करें कि फॉलोअर्स को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है क्या क्या उनके लिए रूल्स हैं तो इन्होंने पांच बेसिक रूल्स बनाए और ज़्यादातर सारे रिलीजन्स में आपको यही पाँच बेसिक रूल्स मिलेंगे ठीक है मोर और लेस तो पहला इन्होंने बोला कि डोंट कवेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अदर दूसरों की जो संपत्ति है उस पर नज़र नहीं रखें डोंट कमिट वायलेंस ठीक है तीसरा इन्होंने बोला कि इंटॉक्सिकेंट्स का यूज़ नहीं करें चौथा इन्होंने बोला कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इंडल्ज नहीं करें इंडल्ज नहीं हुए और पांचवा था डोंट स्पीक ए लाइव तो ये इनके पांच कोड कोड ऑफ कंडक्ट थे अब अगर बात करें कि बुद्धिज़्म जो था वो इतना फ्लॉरिश क्यों हुआ लोगों लोगों ने इसको क्यों अपनाया तो पहला तो जो रीज़न था वो थी पर्सनालिटी ऑफ गौतम बुद्धा जो बुद्धा की पर्सनालिटी थी ही वाज वेरी चार्मिंग वो अपने जो उपदेश थे जो अपनी शिक्षाएं थी बहुत ही काम माइंड से देते थे और बहुत अच्छे से वो एक्सप्लेन करते थे जल्दी जल्दी उनको उनको कोई कितना भी अब्यूज़ करो उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था तो इसकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं तो एक ये भी रीजन था जो कि गौतम बुद्ध थे उनकी पर्सनालिटी से लोग काफ़ी प्रभावित होते थे दूसरा था कि यूज़ ऑफ़ पाली इन्होंने पाली लैंग्वेज में प्रीच करना शुरू किया जो पाली लैंग्वेज थी वो पाली और प्रकृत जो थी वो कॉमन लैंग्वेज कॉमन लो लोगों की लैंग्वेज हुआ करती थी और जो संस्कृत थी वो एलाइट वर्ग या ब्राह्मणस की लैंग्वेज थी तो इन्होंने संस्कृत को डिस्कार्ड करके पाली लैंग्वेज को अडॉप्ट किया तीसरी बात करें तो जो जो ब्राह्मिकल रिलीजन थे उसमें सूधरा और विमेन की कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं थी लेकिन जो बुद्धिज़्म आया तो उन्होंने संघास जो था उसके डोर ओपन कर दिए उसमें सबको एंट्री अलाउड थी इन रिस्पेक्टिव ऑफ़ कास्ट ऑफ सेक्स यानी कि सूधराज और विमेन दोनों को अलाउड था संघाष को ज्वाइन करना तो इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ लोगों का रुझान इसकी तरफ बढ़ा इसके अलावा जो मगध और कोसला और कौशाम्बी थी ऐसे काफ़ी सारे रिपब्लिकन स्टेट थे इन्होंने इसको अडॉप्ट किया अब जो आगे बात करेंगे कि मगधा जो था उसमें क्यों ज़्यादा बुद्धिज़्म जो था उसको वो उतना ज़्यादा फ्लोरिश क्यों हुआ उसका रीज़न एक ये भी था कि जो बुद्धिज़्म था जो मगधा स्टेट था जो मध् मगधा रिपब्लिक था उस टाइम पे उसको आर्यवर्त का पार्ट नहीं माना जाता था तो उस टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे या जो जो आर्यस थे उनको ऐसा लगता था कि जो मगधा है ये एक हॉली प्लेस नहीं है उसको आर्यावर्त की जो जोग्राफिक लोकेशन जिसकी आप बात करें तो जो मॉडर्न डे यूपी है दैट वॉज काइंड ऑफ आर्यावर्त तो उससे अलग रखा गया था तो मगधा के जो लोग थे उनको अपनी स्टेटस इम्प्रूव करने थी और वो कहीं ना कहीं अपना इंक्लूज़न भी चाहते थे तो ये भी एक रीज़न था कि जो मगधा था वहाँ पर बुद्धिज़्म जो था वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉरिश हुआ अगर बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात करें तो बुद्धिज़्म की चार आ, सबसे चार छः काउंसिल्स के बारे में हमें देखने को मिला है लेकिन उनमें से चार जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी उनकी डेथ के जस्ट बाद हुई थी और वो कहाँ पर हुई थी राजगृह में या मॉडर्न डे राजगीर में हुई थी सत्ता पानी केव में हुई थी और इसको किसने प्रिसाइड किया था इसको प्रिसाइड किया था महाकशापा ने महाकसापा किस किंग की पैट्रोनेज में एक काउंसिल हुई थी तो उसको किंग का नाम था अजाज शत्रु यानी कि अजात शत्रु जो थे वो गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी थे ठीक है इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इस काउंसिल में क्या हुआ था जो तीन पिताकाज हैं ट्राई पिताकाज हैं उनका कंपाइलेशन हुआ था वो पिता का क्या है हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे दूसरी होती है थ्री एटी थ्री बी सी में और कहाँ पर हुई थी वैशाली में हुई थी इसको किसने प्रिसाइड किया था इसको प्रिसाइड किया था सतकाम्बरी ने और किस किंग के पैटर्नेज में हुई थी तो किंग का नाम था किंग काला कालासोका ठीक है इसमें ज़्यादा कुछ इस काउंसिल के बारे में नहीं पता है लेकिन एक डिस्कशन एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पर था कि जो मॉन्ग्स थे उनको मनी में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए उनको एक ऑस्टेरिटी वाली लाइफ जो है वो जीनी चाहिए थर्ड जो थी बुद्धिस्ट काउंसिल वो हुई थी 262 सिक्सटी में और ये हुई थी अंडर पैटर्नोज ऑफ किंग अशोका और किसने इसको प्रोसाइड किया था इसको प्रोसाइड किया था मोगी पुत्र ने ठीक है कहाँ पर हुई थी ये पटना यानी कि पाटलिपुत्रा में हुई थी इस बुद्धिस्ट की जो इस काउंसिल की इम्पॉर्टेंस थी वो क्या थी कि जो तीन पिताकाज थी उन पर कॉमेंट्री जो थी वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल की गई थी ठीक है इसके अलावा अगर चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करें तो वो हुई है फर्स्ट सेंचुरी ए में ठीक है और ये कहाँ हुई थी कश्मीर में हुई थी ये कुंजालवर में हुई थी किसने प्रिसाइड किया था दिस काउंसिल वज डिसाइडेड बाई टू पीपल पहले थे वासुमित्रा और दूसरे थे अश्वक किस किंग के पैटर्न में ये काउंसिल हुई थी तो उस वो कुशान किंग कनिष्का थे जिनके अंडर ये जो काउंसिल थी वो हुई थी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस काउंसिल में जो बुद्धिज़्म था वो दो सेक्स यानी कि हिनायन और महान में डिवाइड हो जाता है तो ये काउंसिल जो है आप इनके बारे में सब कुछ याद कर लीजिए स्टेट पी में तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ठीक है अब इनकी अगर ट्राई पिटाकाज या तीन ट्राई पिटाकाज का मतलब होता है तीन बास्केट या तीन पिटारे ठीक है तो जो तीन पिताकाज हैं वो क्या हैं पहली है विनय पिताका सुत्ता पिताका एंड अभिदम्मा पिताका जो विनय पिताका मतलब होता है कि जो मोनेस्ट्रीज थी जो बुद्धिज्म की मौन, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज थी वहाँ पर क्या क्या रूल्स फॉलो किए जाने चाहिए तो इसको बुक ऑफ डिसिप्लिन भी बोलते हैं वो सारा मेंशन है विनय पिताका में सुत्ता का मतलब होता है सूत्रा यानी कि जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं वो सुत्ता पिताका में मेंशन है अभिधम्मा पिताका जो है जो बुद्धिज्म की एक्चुअल मेटाफिजिक्स है जो और जो फिलोसफी है वो अभिधम्मा पिताका में मैंशन है बुद्धा चरित्र एक फेमस बुक है मैंने पी एस सी पॉइंट मेंशन किया है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है जो बुद्धा चरित्रा है वो किसने लिखी थी वो लिखी थी अश्वघोषा अभी हमने देखा था कि चौथी जो काउंसिल थी इट वाज प्रिसाइडेड बाय अश्वघोषा तो ये किस लैंग्वेज में लिखी है ये पाली में नहीं लिखी है ये प्रकृत लैंग्वेज में लिखी है और ये बताती है जो बुद्धा की लाइफ है उसके बारे में ठीक है अब हम बात करेंगे कि जब इतने सारे लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था ये रिलीजन इतना लोगों का रुझान था इस रिलीजन की तरफ तो फिर ये धीरे धीरे डिक्लाइन क्यों होने लगा तो पहला तो इसका रीज़न ये था कि जो बुद्धा बुद्धा था बुद्धा थे उन्होंने पहले ही जो रीति रिवाज थे जो रिचुअल्स थे उनको डिनाउंस किया था वो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते थे और बाद में ये रिलीजन जो था वो इन्हीं रीति रिवाजों इन्हीं रिचुअल्स में सकम हो गया ठीक है तो ये एक रीज़न था कि ये डिक्लाइन हुआ दूसरा जो था कि ब्राह्मण्स जो थे उन्होंने अपने रिलीजन को रिफॉर्म करना शुरू किया ठीक है तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि जो सुदास हैं जो सुद्रास हैं जो विमेन हैं, इनको भी स्वर्ग प्राप्त हो सकता है तो इसके कारण जो अभी जो एक ये वर्ग था ये बुद्धिज़्म के साथ साथ जो ब्रह्मेनिकल थे उसमें भी स्टे करना चाहता था क्योंकि उसमें सांसारिक जीवन के बाद में आपको स्वर्ग मिलेगा ये बात जो थी ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही थी तो इसके कारण जो बुद्धिज़्म था उस पर लोगों का ध्यान जो था वो थोड़ा कम हो गया तीसरा जो था कि जो बुद्धिस्ट मोंग थे उन्होंने जो पाली जो कि एक लैंग्वेज थी कॉमन लोगों की उसको डिनाउंस कर दिया उसको ग्रेजुअली गेव अप ऑन पाली और वो लोग संस्कृत में जो प्रीच करने लगे तो जिसके कारण जो मेन स्ट्रीम था वहाँ से बुद्धिज़म पूरी तरह से ख़त्म होने लगा फर्स्ट सेंचुरी ए के बाद में जो हिनायन और जो महायान दो सेक्स में डिवाइड हुआ था तो जो महायान था वो आइडल वर्शिप में बिलीव करता था तो इनिशियली इस चीज़ पे जो था वो फोकस किया गया था कि जो किसी भी आइडल वर्शिप पे या फिर किसी भी अब रिचुअल्स इन सारी चीज़ों को डनाउंस किया था इन इन सारी चीज़ों पे मनाही थी और बाद में धीरे धीरे इन्हीं चीज़ों में जो बुद्धिज़्म था वो इसको करना शुरू किया तो आइडल वर्शिप एक ऐसी चीज़ थी जो कि फ़ॉलो की जाने लगी महायाना के बाद महायाना आ, सेक्ट में ठीक है तो इसके अलावा क्या हुआ जब ये लोग बुद्धिज़्म में जब आइडल वर्शिप होने लगी तो जो डिबोटीज़ थे वो ऑफरिंग प्रोवाइड करते थे और जो बुद्धिस्ट मॉन्ग थे वो इसको एक्सेप्ट करने लगे तो काइंड kind ऑफ of वो जो पहले ब्रामिकल रिलीजन थे उसी की तरफ उसी की तरह एक्ट करने लगा ठीक है इसके अलावा जो मोनेस्ट्रीज थी दे बिकेम टारगेट ऑफ इन्वेडर्स ग्रीड जो टर्किश इन्वेडर थे क्योंकि वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था तो उनके लिए एक पॉइंट बन गया जिसको कि वो इन्वेड कर सकते थे तो काफ़ी सारे जो इन्वेडर्स थे जो काफ... जो टर्किस इन्वेडर्स थे उन्होंने काफ़ी सारी मोनस्टीज़ पे अटैक किया ठीक है तो उसके डर से जो बुद्धिस्ट मोंग थे कुछ तिब्बत चले गए कुछ नेपाल चले गए और काफ़ी सारे जो थे उनका मर्डर कर दिया गया था तो ये भी एक रीज़न था कि बुद्धिज़म जो था वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा चौथी बात एक और ये पॉइंट था कि जो पैट्रोनेस था लैक ऑफ पैट्रोनेस का मतलब है किंग्स जो थे वो आगे के जो फ्यूचर किंग्स आए उन्होंने उन्होंने हिंदू धर्म पे जोर दिया उन्होंने ब्रामेनिकल रिलीजन्स पे जोर दिया और वो लोग इसको पैटर्नोइ प्रोवाइड नहीं करने लगे जैसे कि जो गुप्ता रूलर्स आगे आप देखेंगे तो वो लोग जो थे वो ब्रामिकल गॉड्स में बिलीव करते थे उस रिलीजन पे उन्होंने जोर देना शुरू किया तो लैक ऑफ पैटर्नोइज के कारण ये आगे बहुत ज़्यादा फल फूल नहीं पाया और धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा तो ये सारे रीज़न्स थे इसके इसके बाद में कुछ ऐसा होता है कि ट्वेल्थ सेंचुरी ए के बाद में बुद्धिज़म जो था प्रैक्टिकली इंडिया से ख़त्म हो जाता है यानी कि जहाँ पर ये ओरिजिन हुआ था वहीं पर वहाँ पर ये बिल्कुल वैनिश हो जाता है आप देखेंगे कि काफ़ी सारी जगह पर जैसे साउथ uh, एशिया में साउथ ईस्ट एशिया में इन सारी जगह पर बुद्धिज़्म अभी भी काफ़ी uh, एक लार्ज स्केल पर प्रैक्टिस किया जाता है लेकिन इंडिया से वो ख़त्म हो गया था बाई ट्वेल्थ सेंचुरी एडी अगर हम लोग बुद्धिजम की ब्रांचेस की बात करें तो बुद्धिजम जो है उसकी तीन मेन ब्रांचेस हैं थेरावाड़ा महायाना एंड वज्रायणा जो थेरावाड़ा है उसको सदर्न बुद्धिजम भी बोला जाता है और श्रीलंका लाओस म्यांमार इन सारी जगह पर जो प्रैक्टिस किया जाता है वो थेरावाड़ा बुद्धिज़्म है ठीक है महायाना बुद्धिज़्म जो है वो आइडल वर्शिप में बिलीव करने लगा और चाइना जो है वहाँ पर ये प्रैक्टिस किया जाता है इसके सबसे ज़्यादा फॉलोवर्स जो हैं वो महायाना बुद्धिज़म के हैं अगर वज्रायणा की बात करें तो वजराणना जो है वो डिराइव हुआ है महायाना से और ये भी काफ़ी सारे रिचुअल्स और आइडल वर्शिप वगैरह में बिलीव करता है वजरायणा को तिब्बतन बुद्धिज़्म भी कहते हैं लास्ट में एक नज़र डाल लेते हैं कि बुद्धिज़म की क्या इंपॉर्टेंस रही और क्या इसका इन्फ्लुएंस रहा है आर्ट एंड कल्चर पे तो बुद्धिज़म जो था उसने एशेंट इंडिया की आर्ट पर एक बहुत ही सॉलिड मार्क छोड़ा ऐसा क्यों क्योंकि माना जाता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन स्टैचूज थे जिनकी इंडिया में पूजा हुई वो प्रॉबेबली बुद्धा के थे तो आइडल वर्शिप जो है उसका क्रेडिट बुद्धा को जाता है या बुद्धिज़्म को जाता है इसके अलावा जो केव आर्किटेक्चर है उसका क्रेडिट भी बुद्धिज़्म को जाता है क्योंकि जो मोनेस्ट्रीज बनाई गई थी मोनेस्ट्रीज बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट आया था वो बुद्धिज़्म के कारण ही आया जहाँ पर मॉन्स लोग जो थे वो स्टे किए स्टे करते थे तो उन मॉनिस्ट्रीज़ को बनाने के लिए जो रॉक थी उनको कट किया जाने लगा और वहाँ पर केव्स बनाए जाने लगी तो इसका एग्ज़ाम्पल है बाराबर हिल्स में जो केव्स हैं जो कि मॉडर्न पीरियड को बिलोंग करती हैं और ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पुरानी ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मैन मेड केव्स हैं ठीक है थीके? दूसरा एग्जांपल है इसका जो नासिक में पांडव लेनी केव केव्स हैं वो भी जो हैं Uh, वो मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी जिनको कि रॉक को कट करके केव बनाया गया था ठीक है तो केव आर्किटेक्चर जो है उसका क्रेडिट गोज टू बुद्धिज़्म इसके अलावा जो था बुद्धिज़्म और कैसे फैला इंडिया में तो इंडिया में जो कृष्णा डेल्टा था वहाँ पर इस ये फैला अंडर द पैटर्नोज और इम्पिटस ऑफ रोमन ट्रेड ठीक है और अगर बात करें कि मथुरा रीज़न और गांधारा रीज़न तो वहाँ पर फैला है सेंट्रल एशियन कॉन्टेक्ट के कारण सेंट्रल एशियन रूलर्स जो थे जैसे कि कुशानाज थे शाक्याज थे इन्होंने पैटर्नेस प्रोवाइड किया बुद्धिज़्म को और जिसके कारण जो बुद्धिज़्म था वो इन रीजन में फ्लॉरिश हुआ सो दिस वॉज एंड ऑफ़ द वीडियो गाइज इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नॉलेज लुक फॉर फर्दर वीडियोज़ थैंक यू